इलाकों में स्थित है और पूरे आजू बाजू में पहाड़ियों का इलाका है पूरा। और हम लोग आए हैं पार्किंग एरिया से ऊपर आए, जैसे जैसे ऊपर आते हैं बहुत सारे शॉप भी लगते हैं हमें, और शॉप आने के बाद जैसे ही थोड़ा सा पूरा ऊपर आते हैं वहाँ पे हमें सामने दिखाई देता है श्री मंगेश संस्थान, और उसी के लेफ्ट में देर से मेन एंट्रेंस मंदिर का। तो अभी हम लोग उसी एंट्रेंस से ऊपर जा रहे हैं मंदिर में। यहाँ से अभी हमें जाना है मंदिर के अंदर। जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, इस मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह है। जैसे ही हम मंदिर में अंदर आते हैं तो हमें आते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं भगवान काल भैरवनाथ जी के। यहाँ पे मंदिर है उनका, और जब हम काल भैरवनाथ जी का दर्शन घे लेते हैं तो दर्शन लेने के बाद सबसे पहले हमें मेन मंदिर सामने ही दिखाई देता है श्री मंगेश प्रसन्न करके, सबसे एंट्रेंस में ही नाम लिखा हुआ है, वो है यहाँ का मेन मंदिर। और लेकिन मेन मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ के वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं दर्शन लेके आती हूँ और बाकी का जो बाहर का एरिया है मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। चलो, गोवा का मंगेशी टेम्पल 450 साल पुराना है। मान्यता है कि इस शहर की रचना भगवान परशुराम ने की थी और यह शहर प्राचीन कोकण में कोकण का एक हिस्सा है। कहते हैं कि परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान अपने बाणों से समुद्र को कई स्थान पीछे धकेल दिया था। अभी मैं दर्शन लेके आई हूँ मंदिर के बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर मैं आती हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे महाजनांचे निवास स्थान दिखाई देता है, और उसी के सामने मंगेश संस्थान भी है। वहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हो वहाँ पे आपको दिखाई देगा यज्ञ मंडप। पूरे एक ही लेन में ये तीनों भी है। फर्स्ट आता है यज्ञ मंडप, फिर आता है संस्थान, और दूसरी तीन नंबर पे यहाँ पे महाजनांची निवास स्थान। यानी कि अगर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं दर्शन के लिए तो वो भी यहाँ पे रेस्ट। इस मंदिर की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए पूरी डिटेल में तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर जाके विजिट करो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अभी मैं पूरा आपको मंदिर दिखाती हूँ, चलो। ये पूरा मंदिर, बीच में मंदिर है और दोनों साइड से बीच में स्पेस है। इस साइड में कैंटीन है। गोवा में मंगेशी मंदिर एक प्रमुख माना जाता है। यह भगवान शिव शिवलिंग के रूप में मौजूद है। कहा जाता है यह भगवान शिव बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए थे, जिसे देखकर माता घबरा गई और उनके मुंह से रक्षाम गिरीश शब्द निकला। तब से भगवान शिव यहाँ मंगेश के नाम से पूजे जाने लगे हैं। जैसे ही हम मंदिर के पीछे की साइड में आते हैं तो हमें यहाँ पे और मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें श्री भगवान सातेरी और भगवान वीरभद्र का मंदिर दिखाई देता है। बीच में है भगवान श्री मूकेश्वर मंदिर। यहाँ पे जैसे ही हम ये मंदिर का दर्शन करते हैं उसके लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देता है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री सूर्य नारायण और श्री गरुड़। ये मंदिर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम अभी ये मंदिर के दर्शन करते हैं, तो वैसे ही लेफ्ट साइड में आगे जाना है हमें। मंदिर के पूरे आवारा जो है वहाँ पे सब बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स के पेड़ लगे हुए हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भी काफ़ी विशेष है। यह मंदिर गोवा
की गोवा के ही एक मंदिर शांता दुर्गा की शैली में बना हुआ है। करीब 450 साल पुराना यह मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ एक पानी का कुंड भी है जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को भी और बढ़ा ही देता है। यह सभी स्तंभ पत्थर के बने हैं और इस मंदिर के एक भव्य दीप स्तंभ भी है। मंदिर के अंदर कई गुंबद और झरोखे भी हैं। यहाँ भगवान शिव के प्रिय नंदी भी विराजमान है और मंदिर के बीच में एक भव्य 7 मंजिला दीप स्तंभ है। भगवान शिव जी का मूर्ति है और पिंड भी वहाँ पे हमें दिखाई देती है। एक नंबर यहाँ पे है। मंदिर का एंट्रेंस और एग्जिट एक ही है और जैसे हम नीचे आते हैं वैसे हमें बहुत सारे शॉप दिखाई देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का सेल भी लगा हुआ है इस प्रकार से। अभी हमारा ये मंदिर का दर्शन पूरा हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग के एरिया में। पार्किंग के एरिया में जाने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे और हमें नेक्स्ट कौन से मंदिर में जाना है, फिर मैं आपको वहीं से मंदिर की ओर लेके चलूँगी। तो श्री भगवती मंदिर गोवा के सबसे प्रसिद्ध और देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है जो भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। आपको बता दें यह मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना है जिस वजह से गोवा में प्राचीन मंदिरों में ये शामिल हुआ है। यह मंदिर देवी भगवती अष्टभुजा के रूप में विराजमान है। भगवती मंदिर के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं का स्वागत हाथियों की 2 आदमकद मूर्तियों द्वारा किया जाता है जो काले पत्थर से बनी हुई है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो श्री भगवती मंदिर के अलावा 4 अन्य देवताओं के समर्पित मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार दशहरा है। यह त्यौहार यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक, जिसे अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। उस समय मंदिर में 25,000 से भी अधिक भक्त इकट्ठा होते हैं। यह है माता भगवती का मंदिर। जैसे ही हम मंदिर में अंदर आते हैं तो हमें माता भगवती की एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देती है जो बहुत ही भव्य रूप में है और बहुत ही सुंदर रूप से उसे सजाया गया है। और अगर हमें माता भगवती को प्रदक्षिणा करनी है तो हमें इसलिए जगह भी दी गई है मंदिर के साइड से, वहाँ पे हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं मंदिर में। और जैसे ही हम प्रदक्षिणा पूरी करते हैं तो बाहर की ओर रास्ता है मंदिर से जाने के लिए।